शादी मुबारक के आज के एपिसोड में बताया जाएगा कि यहाँ पर तरुण रति के लिए कपकेक लेके आता है और वह कहता है कि ये लो मुँह मीठा करो और तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है। तुम्हारा सपना था ना लग्जरी कार का, बस वो जल्द ही लाने वाला हूँ मैं। फिर यहाँ पर रति कहती है कि कहीं डाका डालने वाले हो क्या, तो फिर तरुण कहता है कि तुम अपने पति पे काबिलियत पे थोड़ा सा तो विश्वास कर लिया करो। वह कहता है कि मुझे रेज मिली है। फिर रति कहती है कि कब तक आ जाएगी, तो फिर वह कहता है कि यही कुछ 6 महीने में। तो फिर रति कहती है तब तक तो मेरी सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाएगी, तुम एक कप केक खिला के सस्ते में निपटा रहे हो। फिर तरुण कहता है कि हमारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। तो रति कहती है कि हमारे अच्छे दिन तो शुरू हो गए, लेकिन तुम्हारे माता जी का बुरा दिन शुरू होते दिखाई दे रहा है। और वह कहती है तभी तो उन्हें काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, कुसुम आंटी ने कुछ ना कुछ बोल दिया होगा और अपने घर के हालात दिखा दिए होंगे। यहाँ जूही और सुमेर जीजू भी काम करते हैं, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कमाते, और यहाँ एक और मुँह बढ़ जाए खाने वाला तो फिर कमाना तो पड़ेगा ही। और महंगाई भी कितनी बढ़ गई है, एक इंसान के ऊपर 5,000 का तो खर्चा हो ही जाता है, तो कुसुम आंटी को यही सही लगा होगा। और अब मम्मी जी उन पर बोझ लगने लगी होगी, तो उन्होंने सोचा कि काम करके ही रहने जैसा है। फिर वह कहती है कि अब हमारे पास बाई भी है और हमारे अच्छे दिन भी शुरू हो गए हैं, तो अपनी मम्मी को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें पड़े रहने दो वहीं। तरुण कहता है कि पापा ने बिल्कुल सही कहा था कि इनमें अक्ल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वह कहता है कि अच्छे से हमारे घर आके रहती, लेकिन नहीं, लेकिन जब किसी की किस्मत ही फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। फिर वह कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जो कि तुम्हें कल मिलेगा। और यहाँ दूसरी तरफ कुसुम के घर पर प्रियंका नए नए कपड़े खरीद के लेके आती है, शॉपिंग करके आती है, और वह कपड़े दिखा रही होती है अपनी माँ को। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, और वह ड्रेस दिखाती है और कहती है कि मैं ये फर्स्ट डे अपने जॉब पर पहन के जाऊँगी। फिर काजल उसे चश्मा दिखाती है कुसुम को, और कुसुम चश्मा पहनकर शीशे में देखती है और कहती है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और यहाँ पर जूही कहती है कि प्रियंका तुम्हारे टेस्ट बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे हैं। फिर यहाँ पर काजल कहती है कि लेने तो मैं भी गई थी, तो मैंने भी दिलाया है इन्हें। फिर यहाँ पर प्रीति और केटी भी आ जाते हैं, तो केटी कहता है कि आपने पर्दे पे तो मेरा कमाल देखा ही नहीं है, लेकिन अब इस घर को पर्दा बना के आपको मेरा कमाल दिखाता हूँ, आप यहाँ पर छुप जाइए। फिर प्रीति दरवाजे के पीछे छुप जाती है और केटी दरवाजा खटखटाता है। कुसुम देखती है और दौड़ के आती है, फिर कहती है कि अंदर आइए। फिर केटी स्माइल भी नहीं करता है, वह कहता है कि मैं तो जहाँ जाता हूँ वैसे स्माइल भी खेलता हूँ, बट आज मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तो कुसुम कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो केटी कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे प्रीति को अपना पार्टनर नहीं बनाना है, पार्टनर बनने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। फिर कुसुम कहती है कि ऐसा क्या हो गया। फिर वह कहती है जूही से, प्रीति को बुलाने के लिए कहती है, तो जूही कहती है कि माँ मंदिर गई हुई है। फिर कुसुम कहती है कि प्रीति मंदिर गई हुई है, अभी आ जाएगी, तब तक आप इंतज़ार कर लीजिए। तो केटी कहता है कि इंतज़ार ही तो नहीं होता, मैं इतना तो इंतज़ार मैंने अपने प्रोड्यूसर को भी नहीं कराया जितना आपकी सहेली मुझे कराती है। फिर केटी यहाँ पर ड्रामा करने लगता है, वह कहता है कि मुझे प्रीति जी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। फिर यहाँ पर सारे घर वाले सैड हो जाते हैं और सारे के सारे चुपचाप सुन रहे होते हैं। प्रीति दरवाजे के पीछे खड़े खड़े ये सब सुनकर हंस रही होती है, और यहाँ पर कुसुम केटी को मनाने की बहुत कोशिश करती है, और फिर वह रोते रोते कहने लगती है। वह कहती है कि ऐसा ना करो, प्रीति बहुत मासूम है, बोली है, उसका दिल टूट जाएगा, वह कैसे सह पाएगी ये सब, ऐसा सब कुछ बोलने लगती है वह। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि कुसुम जी मैं तो मजाक कर रहा था, आई हेट यूस। तो वह कहती है कि ये लाइन आपकी नहीं है। फिर केटी कहता है कि हाँ जानता हूँ प्रीति पार्टनर। फिर वो प्रीति को बुलाता है और फिर कुसुम कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वो बोलती है क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। तो फिर केटी कहता है कि प्रीति पार्टनर। तो फिर कुसुम काफ़ी खुश हो जाती है और वह कहती है कि यानी कि ये बावड़ी मान गई पार्टनरशिप के लिए। तो केटी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और सभी घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर कुसुम कहती है कि मंदिर गई थी तो थोड़ी अकल आ गई इसमें, इसने हाँ बोल दिया। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि कुसुम दी सबको नचाती हो, आज खुद ही नाच लिया। तो फिर कुसुम कहती है कि मेरी भी बिल्ली मुझी को म्याओ बोल रही है। फिर यहाँ पर कुसुम पूछती है कि अब आगे क्या करना है। तो केटी कहता है कि माँ ने पंडित जी से बात कर ली है, कल 11 बजे का मुहूर्त है, 11 बजे पूजा होगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर काजल कहती है कि चलो इसी बात पर सेल्फी हो जाए। फिर यहाँ पर सभी सेल्फी लेने लगते हैं।
फिर यहाँ पर जूही प्रीति को साड़ी देती है और वह कहती है कि माँ कल आप ये साड़ी पहनेंगे, और तभी कुसुम कहती है कि नहीं थोड़ी चमक वाली साड़ी होनी चाहिए, तो आप ये साड़ी पहनो, और फिर कुसुम दूसरी साड़ी निकाल के देती है। उसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं और कुसुम और प्रीति रूम में आ जाते हैं। कुसुम रूम में आते ही भगवान जी का नाम लेती है और वह कहती है कि अच्छा हुआ एक समझदार इंसान तो मिला प्रीति को। फिर प्रीति सोचने लगती है, उसके बाद कुसुम को ध्यान आता है कि ये मैंने क्या बोल दिया उसके पति के बारे में, और फिर प्रीति कहती है कि मुझे बुआ साहब को बता देना चाहिए। फिर कुसुम कहती है कि हाँ बता दो, फिर वो मना कर देंगे और फिर तुम घर बैठ जाना। फिर प्रीति कहती है कि बताना मेरा फ़र्ज़ है, और वो फ़ोन लगा देती है, और बुआ साहब तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुकी होती है तो बात नहीं हो पाती है। फिर बुआ साहब कहती है कि मैं आने के बाद बात करूँगी। फिर यहाँ पर केटी 3-4 अलार्म लगा के सोता है और सभी के सभी अलार्म बजने लगते हैं, पर केटी की नींद नहीं खुलती है। उसके चाचा जी आते हैं और अलार्म बंद करते हैं और फिर केटी को जगाते हैं, तो केटी कहता है कि ये सभी अलार्म का सेल चेंज करना पड़ेगा, ये कुछ भी कोई भी नहीं बजा है इनमें से। चाचा कहते हैं कि अलार्म के बजने से पूरा आधा आधा उदयपुर उठ चुका है, तुम ही नहीं उठे। फिर केटी उठकर रेडी होता है और यहाँ पे प्रीति भी रेडी हो जाती है, कुसुम भी रेडी हो जाती है, सभी के सभी रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये पूजा में जाने के लिए निकलते हैं, तभी तरुण गाड़ी लेके आता है, न्यू गाड़ी, और रति उसकी पूजा कर रही होती है। उसके बाद रति जाके प्रीति को सुनाती है और वह कहती है कि माँ के आशीर्वाद के बिना भी हम लोग तरक्की कर रहे हैं। रति के जाने के बाद केटी की गाड़ी आती है उन सबको लेने के लिए, और फिर आस्था कहती है कि हम लोग स्टार के गाड़ी में जाएंगे। और आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।